Hi friends, I am back with another uh, common words uh, vocabulary series, part D. So, this part will again contain uh, different common words that I came across in different dialogues while solving them. Uh, if you want any context specific uh, vocabulary, then those are also uploaded uh, in my uh, uh, channel here. You can go through them as well if you want context specific words. These are more of uh, the common words that come up in dialogues. Okay. So without further ado, let's begin. The first word here is janch or parikshan, which means inspection or test. Okay. Janch. या परीक्षण को बोलते हैं इंस्पेक्शन और टेस्ट दौरान ड्यूरिंग के माध्यम से थ्रू और वाया ओके द सो इट इज बेसिकली ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ओके सो ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से ओके यू कैन पे इट थ्रू ऑनलाइन पेमेंट ओके तो आप इस राशि को ऑनलाइन uh, या ऑनलाइन तरीके से भुगतान कर सकते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं ठीक है मुआवजा कंपनसेशन कार्मिक श्रमिक और कर्मी ओके सो दीस आर थ्री डिफरेंट वर्ड्स विद स्लाइट डिफरेंसेस सो आई हैव जस्ट लिस्टेड ऑफ ऑल ऑफ देम कार्मिक पर्सनल श्रमिक uh, लेबर एंड कर्मी वर्कर ओके okay? सो so कार्मिक कैन आइदर बी पर्सनल और स्टाफ ओके सो श्रमिक इज लेबरर

Vyapak means comprehensive, exhaustive, detailed, or extensive. All these words can be uh, translated as vyapak. Detailed can also be translated as vistrit, but it depends on the context and also which word you are able to recall at that time in the dialogue. Okay. Garam naram kapade, warm soft clothing. Or you can also say garam mulayam kapade, warm soft clothing. Kutilta, crookedness. Okay. विस्तृत, डिटेल्ड और एलॉबरेट विशाल स्पेशियस और रूमी ओके विशाल स्पेशियस रूमी आपा टेम्प आत्मसम्मान सम्मान. आत्मसम्मान. निर्भर, डिपेंडेंट आश्रित वीजा दैट इज डिपेंडेंट वीजा ओके एंड साथी वीजा पार्टनर वीजा वीजा temporary visa thai visa permanent visa okay so these are the different types of visa okay swasthya health bhalai well being apravasan immigration apravasan adhikari immigration officer swabhav ya prakriti that is i i just wanted to give you a context specific uh, understanding of the word nature so nature can be of a person in that case you will use it as Vabhav and prakriti nature that is the environment or uh, the other uh, the outside surroundings okay the anur, anusuchi schedule vatavaran environment or atmosphere shrinkala series or chain of events okay pathyakram syllabus or coursework dincharya routine din padin day by day prashikshak trainer

जी मचलना फील रेस्टलेस सो दीज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स दैट वेन एव अ पर्सन गोज टू अ डॉक्टर एंड इन द डायलॉग दे से दैट ओके आई एम फीलिंग रेस्टलेस आई एम नॉट एबल टू स्लीप मुझे इंसॉम्या हो गया है मुझे नींद नहीं आ रही ओके okay? uh, और दे विल से आई हैव ब्रेथलेसनेस सिंस यस्टरडे मुझे मेरी सांस फूल रही है कल से ओके okay? सो so, जी मचलना फील रेस्टलेस सांस फूलना ब्रेथलेसनेस दमा असमा गठिया arthritis you can also translate it as uh, arthritis that's not a problem. But uh, if you know this word, it will be a better effect on your examiner. So गठिया आर्थराइटिस, चिकित्सार्यायत, that is medical concession, gunvatta quality, नरम उतक, soft tissue. So आपके soft tissue में नुकसान हो गया है. So आपके नरम उतक में शताह हुई है या फिर you can also say आ, नुकसान हुआ है, okay? संवेदी अंग सेंसरी ऑर्गन संवेदी सेंसरी सो संवेदनाशील इज सेंसिटिव ओके सो संवेदी बेतरती बेतरतीइज और रैंडम जीवन की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ लाइफ नियोजित या स्वनियोजित एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड ओके सत्र सेशन कार्यक्रम प्रोग्राम प्रणाली सिस्टम ओके सिस्टम को हम हिंदी में प्रणाली बोलते हैं प्रोग्राम को कार्यक्रम बोलते हैं विधि इज द मेथड मेथड टू डू करने की क्या विधि है okay. method. प्रक्रिया प्रोसेस और अ प्रोसीजर ओके प्रोसीजर इज प्रक्रिया कार्य प्रणाली मैथडोलॉजी ओके इस कार्य को करने की क्या प्रणाली है तो कार्य प्रणाली मैथडोलॉजी uh, स्नातक ग्रेजुएट स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट नवासे ग्रैंड चिल्ड्रन परियोजना प्रोजेक्ट और एन मासिक वेतन मंथली सैलरी संकेत या सुराग साइन इंडिकेशन और क्लू क्लू इज बेसिकली सुराग साइन और इंडिकेशन कैन बी संकेत फिसलना स्लिप और स्लाइड बेहतर बनाना टू इम्प्रूव समथिंग इज कॉल्ड बेहतर बनाना इस चीज को मैं बेहतर कैसे बना सकता हूँ हाउ कैन आई इम्प्रूव दिस पखवाड़ा फोर्टनाइट साप्ताहिक वीकली पाक्षिक फोर्टनाइटली मासिक मंथली सो दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेन यू आर गोइंग टू गेट योर कंपेंसेशन और वेन यू नीड टू पे योर इंश्योरेंस प्रीमियम इन सच केसेज दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सो दे विल सेव टू पे दिस प्रीमियम एवरी फोर्ट नाइट ओके सो आपको पाक्षिक रूप से इस प्रीमियम को भरना है या फिर इस किश्त को भरना है प्रीमियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज किश्त गुड द नेक्स्ट वर्ड इज इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओके इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस इन इसल कैन बी से बुनियादी इसके बुनियाद पर ओके ऑन द बेसिस ऑफ न ऑल्सो कॉल इट बुनियादी मीन्स बेसिक न्यूनतम मिनिमम अधिकतम मैक्सिमम अधिकतर इन मोस्ट अधिकतर मामलों में हमने यह देखा है इन मोस्ट केसेस आई हैव सीन दिस अधिकतर ओके ज्यादातर मोस्टली इन मेनी ओके सो दीज आर डिफरेंट यू नो वेरियंट ऑफ वर्ड्स दैट यू कैन यूज इन द सेम कंटेक्सट ओके मेहरबानी करके हमल रिक्वेस्ट टू मेहरबानी करके मुझे यह जानकारी दीजिए आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव मी दिस इंफॉर्मेशन और यू कैन इवन डू अ लिटरल ट्रांसलेशन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुझे ये जानकारी दें ठीक है व्यावसायिक घंटे बिजनेस आवर्स और वर्किंग आवर्स ओके आपके इस दुकान के व्यावसायिक घंटे क्या है ओके व्हाट आर द वर्किंग आवर्स और बिजनेस आवर्स ऑफ योर शॉप सप्ताहांत वीकेंड आमदनी इनकम और अर्निंग्स आय इनकम और रेवेन्यू ओके आयकर विभाग दैट इज इनकम डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर विभाग ओके सिमिलरली आय मीन्स इनकम और रेवेन्यू वेतन वेजेस तनख्वाह सैलरी वास्तव में एक्चुअली और रियली ओके वाकई इंडीड चुनौती चैलेंज उल्लंघन वायलेशन ओके आपने इस कानून का उल्लंघन किया है आपने अपने वीजा के शर्तों का उल्लंघन किया है दैट इज वायलेशन गति सीमा स्पीड लिमिट शराब एल्कोहल के नशे में क्या आपने शराब के नशे में गाड़ी चलाई ओके वेर यू ड्रंक वेन यू वर ड्राइविंग योर वेहीकल सो क्या आप शराब की नशे में गाड़ी चला रहे थे ओके नशीली दवाएं दैट इज ड्रग्स काल्पनिक इमेजिनरी आपकी यह योर डाउट इज इमेजिनरी ओके आपकी आपका यह संदेह बिल्कुल काल्पनिक है ओके okay? संतुष्ट सेटिस्फाइड चरण स्टेज और अ फेज ओके यह दूसरे चरण में है ओके okay? आपका आपका जो भी मतलब आपकी बीमारी दूसरे चरण में है ओके okay? चरम सीमा एक्सट्रीम जाहिर तौर पर ऑब्वियसली okay? ये तो, ये तो okay? uh, okay? सुरक्षा जमा राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपॉजिट को हम जमा राशि बोलते हैं और सिक्योरिटी को सुरक्षा तो इसलिए सुरक्षा जमा राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट कई बार आपको होटल वाले डायलॉग्स uh, में या फिर आपको कई बार uh, किसी यू नो कार लोन या किसी भी चीज़ के बारे में सिक्योरिटी डिपॉजिट पूछते हैं तो दैट टाइम यू हैव टू से सुरक्षा जमा राशि ओके okay? केवल यही नहीं बल्कि वह भी दैट इज नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दैट ओके नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दैट यही नहीं बल्कि वह भी ओके okay? प्रामाणित प्रतिलिपि सर्टिफाइड कॉपी सो आपको कई बार पूछा जाता है लोन के लिए आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट लेके आना है तो जमा करना है ओके तो इन दैट केस दे विल से दैट ओके आपको ऋण लेने के लिए कर्जा लेने के लिए आपको अपने पासपोर्ट की एक प्रमाणित प्रतिलिपि देनी होगी ओके okay? वार्षिक अवसर दैट इज एन्युअल ओकेजन वार्षिक इज एन्युअल अवसर इज ओकेजन वार्षिक अवसर एनुअल ओकेजन

Videos as well, uh, along with uh, do check out the context specific videos that I'm uploading. The vocabulary in those uh, videos will be specific to either education or tourism, or uh, say, for example, uh, speed limit uh, uh, violations or traffic control, something like that. Okay, so guys, uh, just uh, Give me a feedback on how these videos are and what you would also want to see in this uh, channel. Okay. Uh, if you uh, are okay with this content, if you are uh, happy with what you are uh, getting on this channel, please do like, share, subscribe, and comment uh, on this video. Provide your feedback so that I can improve the content. Uh, okay, guys. So, all the best for your preparation, and I hope uh, you guys do well in your NADACCL uh, dialogue. Uh, translations. Take care and see you soon.